मटन की एक ऐसी रेसिपी जो सिर्फ 15 मिनट में तैयार हो जाएगी। यमन नफरन हूँ एक्सक्यूज आज अशन तक सून रन या अशन तक माज रन तिमन मकल अज पे एक्सक्यूज ही यह तुस अ आसान रेसिपी यह कह बनाई बिल्कुल कह मत मिनटन मज माजच रेसिपी बनाने खाद माज किलो अत त्रो गंडे सकरीबन गंडे चॉप कर मीडियम साइज जंडे करो नुक नुक या करो इन रिंग साइज सी त्रा गंड हेको कुन साइज मज चॉप कर पर्वा कहीं बेहतर मरचुवागन नमो इस बड़े पान अत करो चॉप त्रो सीम टमाटर अ त्रो स्लाइस कर त्रो सतम मरचुवागन जो चमचे रेड चिली जो चमच नम टू टी स्पून बेमो लेदरी चमचे हल्दी एक चमच हमने लिए टी स्पून एक तो जो जितने हमने चिल्ली डाली है उसका आधा हिस्सा डालना है हल्दी बेनिमो इससे हमने मीट मसाला लिया है करीबन 2 चम्मच मीट मसाला नमो जो चमचे सत बेमो कॉरेंडर पाउडर दानवल पाउडर नमो जो चमचे सतम त्रो अत ऊर सानवल पाउडर पत करो अमुत सोबुत जूर नमो यह त्रो अ शाही जीरा इसको सा डालेंगे बेच दूत रोहन तो बे अदरक यह गुत चॉप नुक नुक कर त्रो अस तुम्हें पेस्ट सीम नमक नून नमो डोड चमचे यह त्रो अस सूर तो ये सब डालेंगे हमने खड़े मसाला लिए कुछ अस नमित लौंग जोर फल बेमो छोटी इलायची ये भी डालेंगे इसके साथ में बेच नमत बड़ ऐल थोड़ा दालचीनी थोड़ा निंग है पेपरिकॉर्न 5-8 लिए भी डालेंगे इसके साथ इससे जो है अलग ही फ्लेवर एक आएगा। तो फाइनली एक मेन इन्ग्रीडियंट इसका है वो है दही। दही करीबन हमने 100 ग्राम लिया है वो हम डालेंगे इसी में और ये सब चीज़ें हम मिलाएंगे ये पिसे हुए मसाले ये खड़ा मसाले जो भी है विद दही विद कर्ड ये हम डालेंगे इस सब में मीट में और इसको हम अच्छे से मिलाना है हाथ की मदद से मिलाएंगे इसको क्योंकि चम्मच से नहीं मिलेगा तो इसको यह अच्छा रला असल पे पूरे पा सी मसाल रलाने से असल पे रलाव मसाल गए दौद वो सोरे ग जाम दुद सर्ड जो भी मिलना चाहिए और मसाले मिलने चाहिए तब जाके हम इसकी हम मेन रेसिपी स्टार्ट करेंगे। तो बिल्कुल एक शॉर्टकट रेसिपी है। अब आपको कोई स्टेप एक ही स्टेप इसका यही मुश्किल थोड़ा बहुत याद रखना है कि कोकू में मसाले डालने हैं इसमें उसके बाद आपको बिल्कुल कुछ नहीं करना है। एक पैन लेंगे हम उसमें हमें रेसिपी स्टार्ट करेंगे। अख बान नमो अखन त्रो गेव 1 चम्मच घी 1 चम्मच ऑप्शनल है हमने घी डाला है इससे अच्छा एक फ्लेवरिंग आएगी टेस्ट अच्छा आएगा। बेनिम से तेल तकरीबन 4 चम्मच लिए हमने बड़े सबने हम ये मस्टर्ड में बनाएंगे मस्टर्ड ऑयल में अस बनाओ ये मस्टर्ड ऑयलस ये रेसिपी अत करो रिफाइंड इस्तेमाल इस क्या। अब हमने जो मीट जिसमें मसाले हमने पहले ही लगा रखे हैं ये त्रो अत सर्द पैन मज इकवटे तो आज करो फ्राई असल पे अत मज गो टेस्ट ये तेल आमुत तमें पत त्रो अत सोरे जो भी हमने ये मिक्सचर बनाया मीट का मसाले का और जो भी सब्जी इसमें डाली है ऑनियन या टमाटर या थोड़ा बहुत मिर्च वो सब इसमें डाल के हम इसको हम कवर करेंगे 10 मिनट तक माशाल्लाह। न स्टेप आप कुछ राग याद रखना है कौन सा मसाला कब डालना है आगे पीछे बिल्कुल नहीं करना आप भूल जाओगे सब्जी खराब हो जाएगी। तो बिल्कुल कहीं चीज़ थोन याद माजुन अत रल सारी आइटम सत्रो तेलस मज थोड़ा इस खालन पान अत थोड़ा हिलाना है इसको 2-3 मिनट हिलाना है। पानी इसको बिल्कुल यूज़ नहीं करना है आप त्रो बिल्कुल कहीं क्योंकि इसमें मीट में भी पानी निकलेगा बाहर टमाटर में पानी है थोड़ा बहुत प्याज भी पानी देगा और इसमें जो कर्ड हमने डाला है उसमें भी पानी है तो पानी बिल्कुल नहीं डालना है 10 मिनट तक ऐसे ही रखना है। 10 मिनट के बाद ढक्कन उठा के रेडी आपका डिश बिल्कुल रेडी है। आपने कुछ नहीं किया आपने ना टाइम आपको लगा ना कुछ प्रिपरेशन टाइम कुछ भी नहीं मसाले लिए मीट में डाला इस पर चढ़ाया आपने गैस पर थोड़ा बहुत तेल डाल के डिश रेडी माशाल्लाह। ییٚمہِ ساتہٕ تُہۍ یہِ ریسپی گرِ بنٲیِو بِلکُل آسہِ وازوانُک ہیٚو مُشُک گرِ اکھ بہتریٖن اکھ ریسپی بنے یہِ بِلکُل ٹیسٹی ریسپی تۄہہِ چھِ ضروٗری ٹراے کرٕنۍ۔ فاینلی آپ سے رِکویسٹ اگر آپ ہمارے یوٗٹیوٗب چینل پہ نئے ہیں یا ہمارے ویڈیوز دیکھتے ہیں تو آپ چاہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اگر آپ ہمارے فیس بک پیج میں تو آپ چاہے ہمارے فیس بک کو فالو کر سکتے ہیں۔ ملتے ہیں ایک نئے ریسپی میں اللہ حافظ فی امان اللہ۔